हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक और बार मौलाना तारिक जामिल जी के इमोशनल बयान पे, जिनका जिस वीडियो का टाइटल है अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना होना। मतलब कि आप लोग अल्लाह भगवान से ना उम्मीद हो जाते हो, मतलब उम्मीद वो भरोसा टूट जाता है कि हाँ कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस टाइप की वीडियो मुझे लग रही है टाइटल पढ़ के कि अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होना। और आप लोग के लिए हम ये रिएक्शन वीडियो लाए हैं क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट देखे और बहुत लोगों ने इस पर रिएक्शन भी किया हुआ है। मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए, हाँ मैंने सोचा कि कुछ दिन बीत गए हैं, मौलाना तारिक जामिल जी की वीडियो नहीं लेके आए हम स्पेशल इनकी वीडियो तो लेके ही आते हैं आपके लिए, हर कुछ दिन बाद लेके आते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा वीडियो मिलेगी जिसने नहीं किया। एंड टाइटल इनका आपने सुना और बाकी आप लोग बताइए। और हमारे न्यू चैनल पे प्लीज जाइए, विजिट कीजिए चैनल को। चैनल का नेम है थर्ड वीडियो, चार्ज मिल जाएगा। थर्ड वीडियो हमने जस्ट एक या दो दिन पहले डाली है, तो आप लोग जाइए जरूर कमेंट करके बताना। उस वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज जाके, और बताइए हमें कि आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियो। हाँ, आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियो, और प्लीज आप बताना। मेरी तबीयत खराब हो रही है, इनको थोड़ा सा जुखाम हो गया एक्चुअली में, कोल्ड हो रखा है इनको। हाँ, इंग्लिश रहने दे, हमारी ऑडियंस हिंदी, हम भी हिंदी है, ठीक है। इनको जुखाम हो गया, इनको नजला हो रखा है थोड़ा थोड़ा। अगर मैं मतलब आपकी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में बोलूं तो इनको थोड़ा जुखाम हो गया है, तो मुझे भी हो रखा है थोड़ा सर्दी, बाकी मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा होना है। बात जरूर बताना कैसी लगी। हाँ, कमेंट करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। हाँ। जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उस चैनल को भी दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए, तो हम भी बढ़ेंगे नए नए कमेंट लेके आएंगे, बाकी हम उस पे और भी ज्यादा वीडियो लेके आएंगे। आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके सजेस्ट। फिलहाल जिस वीडियो पे हम हैं अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना होना, मौलाना तारिक जामिल जी की वीडियो इनसे सुन लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ हम भी नई चीज। तो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो। Name of God, the grace of the merciful. तुम कुरान तो पढ़ो, जिस आई मिलनी है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें किस अंदाज में बनाया, सारी कायनात की चक्की को हरकत दी, फिर तेरा वजूद अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन आगे अल्लाह का गिला सुनो, ये तो अल्लाह ने हमारे साथ किया, आगे हमने क्या किया। फलम्मा तरअरअता, फलम्मा तरअरअता वश्तद अज़्दुक वश्तद अज़रुक, जब तुझ में जवानी की लहरें दौड़ी और तू मस्त हो के चला और तू मुतकब्बर हो के चला, और तेरे बाजू मजबूत हुए, तेरी छाती मजबूत हुई, तेरी कमर मजबूत हुई, तो अब तेरा रब कहता मुझे इंतजार हुआ कि मैंने इसे गंदे पानी से यहां तक पहुंचाया, अब ये मेरे आगे सर झुकाएगा, मेरी नमाज पढ़ेगा, मेरा कुरान पढ़ेगा, जिस चीज को कहा है करेगा, जिसको छोड़ने को कहा है छोड़ेगा, ये सच बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा, निकाह करेगा जिना नहीं करेगा, ये हलाल पिएगा शराब नहीं पिएगा, ये हलाल कमाएगा हराम नहीं कमाएगा, ये सही करेगा गलत नहीं करेगा। मेरी आस लग गई कि मैंने जो ये किया तो तूने ये करना है, लेकिन तूने क्या किया। फलम्मा तरअरअत वश्तद अज़्दुक वश्तद अज़रुक बारस्तनी बिल मआसी या अब्दसू, अरे नाफरमान इंसान तू मेरा ही दुश्मन बन गया, मेरी दी जवानी को मेरे खिलाफ, मैंने आंखें दी मेरे खिलाफ चलाई, कान दिए मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए, ताकत दी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, रिस्क पैसा दौलत दी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, जिस्म दिया मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। बारस्तनी बिल मआसी या अब्दसू, अरे बुरे इंसान तू मुझे ही ललकारने लगा। अपे वेखी जैसे पंजाबी अंदर अपे वेखी जैसे तू मुझे ही ललकारने लगा, अल्लाह आपे बख्शे सी, अल्लाह आपे बख्शे सी। फिर तो हुसैन और यजीद की लड़ाई मुफ्त की थी, क्यों मेरे नबी के नवासे ने सर कटा दिया। आसान होता है नस्ल कटवाना, नस्ल कटवाना आसान होता है, आंखों के सामने नस्ल कट रही हो और एक बोल पे सब कुछ बच जाए,
एक बोल पे हर शय बच जाए और फिर हर शय कुर्बान कर देना। क्यों किया ये करबलाओं का झगड़ा क्यों हुआ कि एक तरफ अल्लाह है एक तरफ शैतान है, अल्लाह को पाते हो तो सब कुछ जाता है। का जाने दो इब्न आदम उतलुबनी तजिदनी फइन वजदतनी वजदत कुल शय वइन फुतनी फातक कुल शय वना खैरुल लक मिन कुल शय। इब्न आदम की औलाद तू केप टाउन में रहे या मदीने में रहे या पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में रहे, मेरी तलब में आ, मुझे ढूंढ मेरी तलब में आ। अगर मैं मिला सब कुछ मिला, मैं ना मिला कुछ ना मिला, और मैं मिल गया तो तेरे सारे दुख दर्द दूर, और मैं ना मिला तो तुझे कुछ भी ना मिला। ये करबलाओं का फलसफा है कि मेरे नबी के नवासे ने अल्लाह को पाया, सब कुछ खो दिया, क्यामत तक उसके लिए नोहे पड़े जाएंगे और क्यामत तक इज्जत का ताज उसके सर पे सजाया जाएगा। यजीद और उसके यजीदियों ने दुनिया को लिया, अल्लाह को छोड़ा, क्यामत तक के लिए लानत 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 उनके लिए मुकद्दर कर दी गई, दुनिया में अलग आखरत में अलग। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह को पा लेना, अल्लाह को राजी कर लेना, ये मेराज जिंदगी है। अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, वरिदवानुम मिन अल्लाह अकबर वल्लाहु व रसूलुहु हक अन युर्दूहु। अल्लाह का राजी हो जाना, ये सब ये मेरी मंजिल है, ये मेरी मंजिल है। ये मेरी मंजिल नहीं है कि मेरे पास रैंड इकट्ठे हो जाएं और मुझे पासपोर्ट मिल जाए साउथ अफ्रीका का। मेरी मंजिल ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जब मेरे जाने का वक्त हो तो वो मुझसे राजी हो। मौत जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम है अगर अल्लाह राजी है, और मौत जिंदगी का सबसे खौफनाक पैगाम है अगर अल्लाह ताला नाराज है। तो मेरा रब कहता है फलम्मा तरारअ वश्तद्द अददुक बारस्तनी बिल मआसी, जब तू ताकतवर हुआ जवान हुआ तो मुझसे लड़ने लग गया, मेरी नाफरमानी पे उतर आया। हकजा जज़ाउ मन अहसन इलैक, सुभानअल्लाह, क्या नेकी करने वाले का यही नेकी करने वाले के साथ यही किया जाता है जो तू मेरे साथ कर रहा है? अब अगली सुन, सुभानअल्लाह, तेरे इस सब के बावजूद जो तू कर रहा है दिन में रात में, इन सअलतनी आतैतुक, तू मांगता है मैं देता हूं। सुभानअल्लाह, मां बाप की नाफरमानी करो घर से निकाल देंगे, आकनामा अखबारों में छाप देंगे, और मेरा अल्लाह कह रहा माजालिक, सारी जिंदगी की तेरी नाफरमानियों के बावजूद इन सअलतनी आतैतुक, तू माफी मांगता है, तू मांगता है मैं तेरी झोली भरता हूं, वैन इस्तगफरतनी गफरतु लक, और तू माफी मांगता है मैं तुझे माफ करता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को पाते हुए जो चीज आई या गई अर्जी है, अल्लाह मिला तो हमेशा की बात है। और अल्लाह ताला अपनी रहमत को कितना ज्यादा बयान करे, कैसे बयान करे, किस तरह बयान किया है मेरे अल्लाह ने, यबना आदम लो बलगत ज़ुनूब का अनान समा सुम्मा सफ़ख़तनी गफ़रतु लक वला उबाली, मेरे बंदे तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, सॉरी जमीन फुलफिल कर दे, समंदरों को भर दे, पहाड़ों को छुपा दे अपने गुनाहों में, फिर अपने गुनाहों को उठा के ले जा, सूरज चांद सितारों को भर दे, सैयारों को भर दे, फिर इतने गुनाह कर के मेरे आसमान की छत को अपने गुनाह लगा दे। मेरे रब की कसम, फरिश्ते भी काफिर हो जाएं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुसलमान और पूरी दुनिया के इंसान काफिर हो जाएं, जिन्नात काफिर हो जाएं, और ये सब मिलकर क्यामत तक की ज़िंदगी पा के गुनाह करें और फरमाबरदारी का एक काम ना करें, तो भी इनके गुनाह आसमान तक नहीं जा सकते। लेकिन मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा बंदा, एक मर्द, एक औरत, केप टाउन की एक औरत, एक मर्द इतने गुनाह करे कि यहाँ से उठाए और आसमान की छत, लो बलगत ज़ुनूब का अनान समा, आसमान की छत को अपने गुनाह लगा दे, थुम्मा इस्तगफरतनी, फिर एक दफा कहना या अल्लाह माफ कर, गफरतु लका, अल्लाह कहता मैं सारे माफ कर दूंगा। व
वला उबाली, और का मुझे कौन पूछने वाले। तो भाइयों अब मुबारक, इतना बड़ा मजमा शायद ही कभी जमा होता हो केप टाउन में, और सब अहले ईमान है, मस्तूरात भी हैं, आप भी हैं। मैं सबके सामने एक दरख्वास्त रखता हूँ कि आओ हम आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। नीयत करते हो? तो भाई तौबा की नीयत करते हो सारे? जितनी दफा भी टूट जाए फिर तौबा करो, फिर माफ हो जाएगा। जितनी दफा टूट जाए ये कभी ना सोचो, 10 दफा तोड़ दी अब कैसे करूं, काबा किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो काबा ही तो जावना है, मंदिर तो नहीं जावना, उत्थे ही जावना जिथे माफ होने। तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरा बंदा जब तू माफी मांग, इन इस्तेकालनी अकल तोला, जितनी दफा तौबा तोड़ के माफी मांगेगा उतनी दफा तेरी तौबा को कबूल करके माफ कर दूंगा। पहली तौबा जिस खुशी से कबूल फरमाई थी, हजारवीं करोड़वीं भी उसी खुशी से कबूल करूंगा, क्योंकि मेरी नेकी और बदी का अल्लाह पे असर कोई नहीं है। लन तबलुगु नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगु दुर्री फतदुरूनी, हमारी नेकी का उस पर कोई असर नहीं, हमारी बुराई का उस पर कोई असर नहीं। लिहाजा फरमाता तुम माफ़ी मांगो मैं माफ़ करूंगा, एक दफ़ा हजार दफ़ा करोड़ दफ़ा माफ़ी मांगते रहना मैं माफ़ करता रहूँगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह तौबा पे पक्का कर देगा, और अल्लाह गुनाह की नफरत दे देगा, और अल्लाह अपने सामने झुकने का शौक दे देगा। कभी ना मायूस होना, कभी ना मायूस होना। अल्लाह ताला की रहमत उसके गुस्से पर, इन रहमती सबकत गज़बी, अल्लाह के 99 नामों में सिर्फ एक नाम गुस्से वाला है। देखो भाई, जहाँ तक मैंने समझा इस वीडियो में, तो इन्होंने कहा है अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना होना, मतलब आप जितनी भी गलती करो अगर आप ऊपर वाले से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ कर देगा। बट अगर ये सच भी है, चलो ठीक है, मतलब ऊपर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के ऊपर ही तुम बिल्कुल, मतलब उनके कि वो माफ़ कर, बाद में माफ़ी मांग लेंगे, अभी गलत काम करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख ये तो गलत है कि मतलब गुनाह करते जाओ फिर बाद में अपना माफ़ी मांग लेंगे, नीयत होती है। मतलब आपने कोई गलती की, आपने सच्चे, हाँ सच्चे मन से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, और मतलब ऊपर वाले को तो पता है कि आप सच्चे दिल से मांग रहे हो, ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने बोल दिया, उन्हें तो अंदर तक का पता है ना कि आप सच्चे दिल से ही माफ़ी मांग रहे हो, आपको रिग्रेट है, आपको महसूस है कि आपने गलत किया और फिर आप माफ़ी मांग रहे हो, तब तो आपको माफ़ी डेफिनेटली मिलेगी यार। हाँ एक बार दो बार तीन बार, हमेशा जब जब गलती करोगे अगर आपने सच्चे मन से माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से सच में दोबारा ना करने की, वो तब माफ़ होगा। ये नहीं कि आप गलती करे जा रहे हो और बस ऐसी माफ़ी मांग रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। 1000 बार हो चाहे 1 करोड़ बार हो, बट इनकी बात फिर भी ठीक है, और ये भी ठीक है कि हाँ भाई हम इतने बड़े हुए, इतना मजबूत बनाया हमें ऊपर वाले ने, और फिर हम उनकी नाफरमानी करें या हम गलत काम करें, वो उनके लिए उनके रिस्पेक्ट इज्जत ना करना के बराबर है। एक तरीके से हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर मान के चलो हमें उन्होंने इतना काबिल बनाया है, तो हमें ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग बताइए आप कितना वाकिफ़ हो या कितना एग्री करते हो इन बातों से, या फिर इन ये वीडियो आपको कितनी समझ में आई है। बाकी हमारा जो मानना है, देखो हमने बताया हमारा यही मानना है, हमें मतलब ऑलवेज रेस्पेक्ट। बाकी आप लोग बताइए देखो वीडियो कैसी लगी। हमारा जो दिल में रहता है, हमारा जो दिल में रहता है, हमारा जो रिएक्शन रहता है, वो हम दे देते हैं। कमेंट करना, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आप कमेंट करोगे वही लेके आएंगे। जिसे फ्रेंड ने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर लीजिए। फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।